हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत क्लियरली समझेंगे. सी दिस इज़ अ बॉय प्रणव. ही स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? 4 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स, दैट इज 7 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या ढूंढना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. तो यू हैव टू टेक अ स्केल एंड मेजर दिस डिस्टेंस, दैट इज 5 मीटर. अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, डिस्टेंस इज 7 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस. ये एक और बहुत अच्छा फिगर है जिससे एकदम क्लियर हो जाता है. देखो, डिस्टेंस ये वाला है और डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर आपने एक थ्रेड लिया तो आप अगेन कंक्लूड कर पाएंगे कि डिस्टेंस, आप एक थ्रेड लो, उसको इस तरह से रखो और फिर उसको मेजर करो कितना आता है. डिस्प्लेसमेंट इस तरह से मेजर करो, आप फिर से यही कंक्लूड करेंगे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. अब आप याद रखिए कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन. मैग्नीट्यूड मतलब वो कितने किलोमीटर्स है या कितने मीटर्स है. व्हेन आई से वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन. सो वी कैन सम इट अप लाइक दिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्टेंस स्मॉलर होगा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर होगा, डिस्टेंस लार्जर होगा. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इन एनी इंटरवेल ऑफ टाइम जीरो, पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. फ्रेंड्स, यू कैन नोट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हाउएवर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या तो नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व एन इनटेक्स्ट क्वेश्चन. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. अब यहाँ पे ये बोला है कि एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है. उस स्क्वायर फील्ड का एक साइड इज 10 मीटर. तो फार्मर को 40 सेकेंड लगते हैं पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में. पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में मतलब उसने कितना ट्रैवल किया? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 मीटर्स उसने ट्रैवल किया. नाउ द क्वेश्चन इज कि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स है उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, 2 मिनट्स इज 2 into 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 120 सेकेंड्स. और इसमें 20 सेकेंड्स और ऐड करने हैं तो ये हो गए 140 सेकेंड्स. तो आपको फाइंड करना है कि 140 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. नाउ लेट अस सी द फील्ड अगेन. ठीक है, ए से शुरू किया तो 40 सेकेंड्स में ए से शुरू करके यहाँ पे वापस आ गया, एक चक्कर लगाया, और 40 सेकेंड्स में और एक बार चक्कर लगाया सेकेंड टाइम, और 40 सेकेंड में और एक बार चक्कर लगाया थर्ड टाइम. सो टोटल 40 सेकेंड में 1 टाइम, और 40 में 2 टाइम्स, और 40 में 3 टाइम्स, मतलब 120 सेकेंड्स में उसने फील्ड के कितने चक्कर लगा लिए? 3 चक्कर लगा लिए. अब 120 सेकेंड्स के बाद और 20 सेकेंड्स बचे हैं ना, तो 20 सेकेंड्स में कहाँ तक जा पाएगा? देखो, 10 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ गया और 10 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ आया. सो और 20 मिनट्स और 20 मीटर्स ट्रैवल होगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू शुड नो. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ,
40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 140 मीटर। पर आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड नाउ फाइनली ही इज एट पॉइंट सी। उसने तीन चक्कर लगाए, ट्रू, पर फाइनल पोजिशन क्या है? सी। इनिशियल पोजिशन क्या था? ए। सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? आई विल हैव टू फाइंड आउट ए सी। नाउ इफ यू कैन सी हियर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे ए सी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी? आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थियरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या मिला आपको? 200 मीटर। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चिल्ड्रन, कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, तो आप ध्यान से समझिए। रूट ऑफ 200 कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको हम लिखेंगे 2 into 100। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 10, और रूट 2 को रूट 2 लिख देंगे। अब याद रखिए, रूट 2 की वैल्यू है 1.41, सो दिस विल बी 10 into 1.41। सो इसको मल्टीप्लाई जब करना है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो डेसिमल है इसको मुझे मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो 1.41 में जब आप 10 मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14.1 मीटर। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, रीड द क्वेश्चन अगेन, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 14.1 approximately, okay?